हेलो गाइस, कैसे हैं आपका फिर से स्वागत हमारे नए ब्लॉग में। और ये चेहरा फिर से आ गया है। आज हम सोच रहे हैं कि पीछे की वॉल है उसको थोड़ा डेकोरेट करें, जिसमें हमारी मदद, हमारी क्या, हम उसकी मदद कर रहे हैं, मुकेश करेगा पेंट। तो अभी इस पर सोच रहे हैं कि ये वॉल है, प्लेन है ये अभी वाइट, इस पर रेड कलर की ब्रिक बनाने की सोच रहे हैं। तो मुकेश अपने काम पर लग गया, मास्किंग टेप लगा दी है, अभी स्टार्टिंग कर दिया मतलब मास्किंग टेप लगाने की। तो अभी नापा तोली की जा रही है और फिर उसके बाद पेंट करेगा। और मुकेश की मदद कर रहे हैं हमारे छोटे जूनियर साहब निपुण। निपुण को चाव चढ़ा हुआ है पेंट करने का, है निपुण? है, अच्छा बड़ा हो गया, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और ये देखो बहुत ही बड़ा हो गया ये, अब भाई इसकी शादी वादी की सोचनी पड़ेगी। बड़ा अभी तो अच्छा, चोट लग रही है इसे अभी अभी शादी नहीं, चोट ठीक होने के बाद शादी हो जाएगी। हाँ, अच्छा कहाँ लग रही है चोट? अच्छा भाई इसके पैर पे खरोंच आ रखी है, तो उसके उस लिए कह रहा है कि शेरवानी के नीचे जूती नहीं पहनते। ईंट गिर गई, ईंट गिर गई थी इसके ऊपर की, ईंट गिर गई थी इसलिए कह रहा है कि अभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि अभी चोट लगी हुई है पैर में, जूती नहीं पहन पाऊंगा, शेरवानी पहनूंगा तो सैंडल पहन पाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दुल्हा सैंडल पहने हुए है ना। दुल्हन कितनी चाहिए तो बता पापा को, दुल्हन कैसी चाहिए आपको, कितनी बड़ी? दे दे छोटी, छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन चाहिए भाई इसको। मैं भी छोटा होना ही चाहिए। अभी तो बड़ा था, अभी तो कहता मैं बहुत बड़ा हो गया, एकदम से तू छोटा हो गया, ये क्या मतलब हुआ? अपना फैसला कर ले पहले, बड़ा है छोटा है? बहुत बड़ा हूँ, बहुत छोटा हूँ, है बड़ा है, फाइनल है ये, फाइनल है ये बात, सबसे बड़ा है ये बात, फाइनल है। भावना ढूंढ रही है यहाँ पे कटर, तो और वो कटर का काम अब है नहीं, पत्ती मिल गई है, रहन दे। देखो कटर ढूंढने आई थी, ऑपनर मिल गया जो कल ढूंढ रही थी। क्या बियर भी होगी? मम्मी मांग रही थी, मिल गई। हाँ। काम प्रगति पर चल रहा है अभी, देखो आधी दीवार पे लग गई मास्किंग टेप, और ये ऐसे मास्किंग टेप लगाएंगे पूरी दीवार पे, फिर इस पर पेंट करेंगे। ये देखो ब्रिक का साइज, ऐसे पे ब्रिक बन के निकल आएगी रेड। तो ये चल रहा है काम, फाइनल होते तब दिखाते हैं आपको। सो ये टेपिंग हो गई फाइनल, देखिए पूरी दीवार पे हो गया, ये ब्रिक का डिज़ाइन बना दिया है मास्किंग टेप से, और कलर भी तैयार कर लिया है मुकेश ने, और अब मुकेश रोलर से करेगा स्टार्ट। और इसका असिस्टेंट इसके साथ ही लगा हुआ है। हाँ जी छोटे छोटे ठेकेदार साहब, इनके बिना तो कोई काम होना ही नहीं है। हाँ ये गाइड कर रहे हैं मुकेश को, इतना बिजी है ना, आई मीन ये छोटा ठेकेदार, बताओ सुबह से बहुत बिजी है। मुकेश तो है ही बिजी, लेकिन छोटा ठेकेदार उससे ज़्यादा बिजी है। ये देखो ये लग रहा है कलर, वाइट से रेड होती जा रही दीवार, अब ये पूरी रेड दिखेगी आपको, और फिर देखना कैसे जादू से इसमें से निकल जाएगा डिज़ाइन। ये 3 घंटे की मेहनत है मुकेश की अभी टेप लगाने में, अब पेंट करेगा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मुकेश एंड राहुल आल्सो, उसने भी मदद कराई थी, और निपुण तो है ही सबसे मेन ठेकेदार, उसकी तो बात ही क्या कहनी। तो दीवार अभी फाइनल होने ही वाली है बस, ये देखो पूरा हो गया पेंट, ये नीचे पहुँच गए हैं, और ये मुकेश लगा हुआ है। इसके अंदर से ही डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, देखो ये उतरेगा तब देखना बिल्कुल अलग से ब्रिक दिखाई देगी, जैसे ब्रिक होती है ना वैसे ब्रिक वॉल बनी है ये, बहुत ही सुंदर मेहनत जो हुई है मुकेश की 3 घंटे की, सफल हो रही है वो। सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है, आज है दूसरा दिन, क्योंकि कल पेंट किया था तो रात को सूखने के लिए छोड़ दिया था, और अभी इस पर एक कोट हुआ है, अभी दूसरा कोट इस पर लगाएंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एक कोट में आया है। ये देखिए एक कोट का रिजल्ट, ये पूरा एक कोट मारा मुकेश ने, और अभी दूसरे कोट की तैयारी चल रही है, हमारे पेंटर साहब अभी रेडी हैं दूसरा कोट लगाने के लिए। तो कैसा लग रहा है मुकेश, ये हाथ लगाने से टच करने से तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है,
पेंट का। अभी क्या होगा दूसरे कोट में? दूसरे कोट में ये इसमें थोड़ा वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है, जो इसके नीचे जो वेस था यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी दूसरा कोट कर दूंगा तो फिर ये बिल्कुल रेड दिखेगा, फिर व्हाइट का कोई भी निशान नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा ईंट जो जैसे भी है बहुत अच्छे लगेंगे सारे। तो यही मुकेश बता रहा है कि जैसे ये पैचेस रह गए ना बीच में वाइट वाइट कलर के, तो जैसे दूसरा कोट आएगा तो पूरा फुल रेड हो जाएगा, और जब ये मास्किंग टेप उतरेगी तो वो ब्रिक का स्टाइल पूरा निकल के आएगा। और अभी ये चल रहा है दूसरा कोट, ऊपर से हो गया है, अब नीचे आ गई है बारी। तो कॉर्नर पे ब्रश से कर रहा है मुकेश, और फिर इस पर रोलर फिरा देगा ताकि निशान ना बने। और जैसा कहताया था वो देखो, ऊपर के सफ़ेद कोई भी पैच नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ। ये नीचे अभी लगा नहीं है कोट, कभी आप सोचो अभी भी सफ़ेद पैच दिखाई दे रहे हैं। सो कोट हो गया फाइनल। अभी क्या है कि अभी ये टेप जो लगाई हुई है मास्किंग टेप, इसको रिमूव करेंगे, फिर डिज़ाइन निकल के आएगा। तो इस प्रोसेस को अभी स्टार्ट करेंगे। मुकेश कर रहा है रेडी इसकी तैयारी। ये देखिए अभी डिज़ाइन निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ईटे बननी स्टार्ट हो गई अपने आप। ये अपने आप नहीं है, कल की मेहनत है ये। 4 घंटे लगे थे डिज़ाइन बनाने में। अभी आप लोगों को दिख रहा है ईटे। अरे वाह, बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया। एक्चुअली मुकेश ने भी पहली बार ट्राई किया ऐसे मास्किंग टेप लगा के, तो अच्छी रही, मेहनत सफल हो गई। मुकेश कह रहा था कि मैंने कभी नहीं किया भैया ऐसे टेप वेप लगा के, फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका भी, और कामयाब हुआ एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी काम आ रही है इसकी, और मेहनत रंग ला रही है। तो निपुण कह रहा है कि मुकेश वेरी गुड। क्या कह रहे हो मुकेश को आप? अच्छा हो गया। सारी दीवार से उतर गई है टेप, देखो लगभग लगभग, बस थोड़ा सा नीचे का पोर्शन रहता है। उतार रहा है मुकेश उसको भी। बहुत ही अच्छी दीवार बन गई है, मस्त। इस बंदे की क्रिएटिविटी ने काम कर दिया। अभी यहाँ पे दीवार फुली हुई है कहीं कहीं पे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हमने बेस नया नहीं बनाया था, खर्चा कम करना था, तो पुराने बेस पे ही करवा दिया। तो वो पुराना बेस क्या कहीं कहीं से फूला हुआ था, टेप उतर रहा है तो वो पपड़ी उतर रही है। अभी दिखाता हूँ कैसे, इस टाइप की पपड़ियाँ, जहाँ से फूला हुआ है वहाँ से पपड़ियाँ निकल रही है। अब इस पर टचिंग करानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे फूला हुआ ज़्यादा है, तो मुकेश जैसी टेप उतर रहा है तो साथ में देखो पेंट भी उतर आया है। ये चीज़ें आ रही हैं, ये दिक्कत आ रही है हमें बेस पुराना होने की वजह से, लेकिन ठीक है, पैसा बचा लो या क्वालिटी देख लो। लेकिन जो ऊपर का बेस है वो बिल्कुल ठीक था, तो उस पर देखो कितना अच्छा है, कोई पपड़ी नहीं उतरी, टेप उतरने भी आसानी रही। तो ये है फाइनल वीडियो दीवार का, ऐसी बनी है दीवार, देखो पूरी नीचे तक होगी। अब तो अभी बज रहे शाम के 7:30 और मैं हूँ किचन में। जैसे कि आप पहचान गए होंगे पीछे देखकर, और आज मैं खाना बना रही हूँ। ये इधर तो मैंने कर दी है सूजी के हलवे की तैयारी। ये सूजी लगभग भुंद गई है, और साथ में मैंने बना दी है पनीर की सब्जी, ये भी बनने ही वाली है। सो दोनों हाथ ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, एक हाथ से सब्जी घुमा रही हूँ और एक हाथ से हलवे के लिए सूजी। और अभी थोड़ा मतलब दोनों चीज़ें थोड़ी सेटल हो गई है कि लगेंगी नहीं। सो गाइज ये देखिए हलवा बन गया है, और ये ना वाइट वाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें दूध और मलाई डाली है, और सब्जी भी बन गई है ये देखिए। और उधर अब मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, और निपुण भी आ गया है, ये अपने लिए फ्रूट्स लेने गया था, सो अभी ये खाएगा। ये इसकी मम्मा डाल रही है लिच्ची इसके लिए। सो अब रोटी बना लेते हैं।